ये तो हम देखने ही आए हैं। इस बार का मेरा मकसद यही है कि जो काम हो रहा है हुआ है, क्या बचा हुआ है, इसी को जानने और समझने के लिए हम घूम रहे हैं। तो जो भी काम हुआ है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। अब नल का जल तो हर घर में उपलब्ध हो ही गया है, लेकिन रास्ता में चलने के लिए आप देख लीजिए एक एक तरह से, और घर का पानी भी निकल करके सब कुछ हो गया है जो हम लोग बनाए हुए हैं, तो वो भी पक्की गली नाली का निर्माण वो भी हो गया है, और जो आप देख लीजिए सोलर वो भी यहाँ बन गया जो हम लोग अपना के सौर ऊर्जा का, तो एक एक तरह से। और दूसरी बात है कि एक एक लोगों से बात करना और लोगों की स्थिति को जानना, क्या महसूस हो रहा है, और जीविका दीदियों ने कितना काम किया, महिलाओं ने कितना काम किया, तो ये सब देख करके अच्छा लगता है कि और ज़्यादा इस इलाके के विकास के लिए जो होना चाहिए, तो जिस तरह से यहाँ बना है उसी तरह से सब जगह बनाने का संकल्प है। तो कहीं कहीं आकर के देख रहे हैं तो कहीं भी कोई चीज़ नहीं है, उसको पूरा करना है जल्दी से जल्दी। और सबसे बड़ी बात है हमारे घूमने का मतलब एक ही अभी है कि ये नहीं कि एक बार बना लिए, हर चीज़ को एकदम मेंटेन करके रखना है, सब दिन के लिए सुरक्षित रहे, हर चीज़ सुरक्षित रहे, चाहे ये बिल्कुल गली नाली वाला हो या हर घर नल का जल हो, सब चीज़ के बारे में हर चीज़ का सुरक्षित। आई जो सौर का देख रहे हैं ऊर्जा का ना, तो इसमें भी हम सब जगह जो जा रहे हैं तो ठीक है बन रहा है, एक बार तो बन जाएगा, तो और बन जाएगा तो कहीं कोई मान लीजिए कि कोई किनारे में है तो वहाँ पर भी एक और लगवा दिया जाना चाहिए। ये सब बात इसी के लिए देखा जा रहा कि और भी लगा देना चाहिए ताकि रात भर लोगों को रोशनी मिले, ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जिसको मान लीजिए कि जिसको जो आवास योजना नहीं मिल पाया है, जो भी होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो जहाँ भी आवास पूरा नहीं हो पाया है उन सब लोगों का चयन करके राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री आवास योजना में कराए जा रहे हैं, तभी भी देखें 7 महिलाओं। तो इसी तरह से सब जगह हम लोगों ने कहा कि देख लीजिए, अब कहीं बन जाएगा तो उसका रास्ता भी बन ना जाएगा भाई, ताकि जहाँ भी उनको बना दीजिएगा तो ऐसा नहीं हो कि उसके जाने का रास्ता ना, हर चीज़ की सुविधा उनको साथ साथ हो जाना चाहिए, खाली घर नहीं देखे। तो ये लेमन ग्रास का तो इतना महत्व है, अब तो आप लोग चले, ये जहाँ कोई काम नहीं होता था पहले, अब किस तरह से विकसित हो रहा है पहाड़ी इलाकों में और कितना अच्छा से हो रहा है लगातार, तो कितनी खुशी है, और लोग अपनी आमदनी भी बता रहे हैं, तो वही हम लोग देखने आए थे। लेकिन मेरा तो एक मकसद और है, वो है कि जितना पहाड़ी इलाके जितने उसके नज़दीक में हम लोगों को बनाना है, ताकि लोग पानी की रक्षा स्टोरेज करके पानी की रक्षा करेंगे, और इस सब काम में तो आएगा ही, और सपोज करिए किस साल वर्षापात हुआ ही नहीं तो उसमें इतना पानी रहेगा नीचे जमा कि उसका यूज करेंगे, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं बराबर जो हम लोगों का जल जीवन हरियाली अभियान शुरू हुआ 19 में उसका भी ये पार्ट, तो उसको भी हम लोग देखने का, तो यहाँ पर शुरू किए हैं लोग अपने अपने ढंग से, तो जो भी होता है कृषि विभाग वाले अपना कैसे कैसे करना है लेमन ग्रास के लिए, तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और हम चाहते हैं कि ये तो कर रहे हैं और बाकी सब लोगों को तो है ना सुविधा, सबको है ना कि भाई कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, हमेशा रहे पानी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि खास खास जगहों पर देख करके और जमीन को इकट्ठा करके वहाँ पर ट्रेंच में वर्षापात में समुचा पानी जो आप जो बोले हुए यार तो कर जाएगा, तो जगह बता दिए तो सब हो जाएगा, तो सब दिन के लिए सुरक्षित रहेगा, और आप देखिए कितना विकास होगा। अब जो इलाका के बारे में कोई सोचता नहीं था उन सब इलाकों को भी हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, विकसित करना चाह रहे हैं, और ये कितना इम्पोर्टेंट जगह है, तो यहाँ पर तो आप जान रहे हैं कि इतना महत्वपूर्ण जगह है, और उसके बाद कहीं लोग ऐसे ही रहें माझी जी का विधानसभा क्षेत्र भी है। हाँ भाई, तब विधानसभा है कि नहीं सर माझी जी, माझी जी एक बार अब दोबारा भी हम के चलिए वहीं लड़िए इस बार भी इनको लेके आएंगे कैसे नहीं, हम आ करके एक एक जगह प्रचार प्रसार में थे, अब पहले से हम शुरू से आते रहे इन सब इलाकों में, ऐसा नहीं थी, सब तो बहुत अच्छा है, अब ये काम शुरू हो गया है, मुझे खुशी है
लेकिन उसको और ज्यादा विस्तृत करना है। अच्छा आमदनी हो रहा है सर, सब बोल रहे हैं आमदनी हो रहा है, बता ही रहा मार्केट, जैसे एक इलाके में कर रहे हैं तो इसी तरह से अन्य जगहों पर भी करेंगे। इमामगंज में फैक्ट्रियां लगाई हैं महिलाओं ने, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के लिए सब कुछ हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी और पुरुष भी सब लोग मिल करके जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। जो इसी तरह जमुई सर, इसी तरह जमुई और ढाका में खूबसूरत है, साबुन है, खास करके कॉस्मेटिक आइटम जो है उसका चीज है, तो आप लोग भी थोड़ा पी न लीजिए बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा काम हुआ है नीचे करो यार लोग, सर एक रास्ता में चलने के लिए आप देखिए एक एक तरह से, और घर का पानी भी निकल करके सब कुछ हो गया है जो हम लोग बनाए हुए हैं, तो वो भी पक्की गली नाली का निर्माण वो भी हो गया है, देख लीजिए सोलर वो भी यहाँ बन गया जो हम लोग अपना के सौर ऊर्जा का, तो एक एक तरह से। दूसरी बात है कि एक एक लोगों से बात करना और लोगों की स्थिति को जानना क्या महसूस हो रहा है, और जिनका दीदियों ने कितना काम किया, महिलाओं ने कितना काम किया, ये सब देख करके अच्छा लगता है कि और ज़्यादा इस इलाके के विकास के लिए जो होना चाहिए, तो जिस तरह से यहाँ बना है उसी तरह से सब जगह बनाने का संकल्प है। कहीं कहीं जिले में लक्ष्य कितने तक प्राप्ति हो सकी, कहीं भी कोई चीज नहीं है, उसको पूरा करना है जल्दी से जल्दी। ऊपर चढ़ेले सबसे बड़ी बात है हमारे कहने का मतलब ये कि अभी है कि ये नहीं कि एक बार बना लिए, हर चीज को एकदम मेंटेन करके रखना है, सब दिन के लिए सुरक्षित रहे, हर चीज सुरक्षित रहे, चाहे ये बिल्कुल गली नाली वाला हो या हर घर नल का जल हो, सब चीज के बारे में हर चीज का सुरक्षित। आई जो सौर का देख रहे हैं ऊर्जा का ना, तो इसमें भी हम सब जगह जो जा रहे हैं तो ठीक है बन रहा है, एक बार तो बन जाएगा तो और बन जाएगा, तो कहीं कोई मान लीजिए कि कोई किनारे में है तो वहां पर भी एक और लगवा दिया जाना चाहिए, नीचे के जो लोग हो जाए और भी लगा देना चाहिए ताकि रात भर लोगों को रोशनी मिले, ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जिसको मान लीजिए कि जिसको जो आवास योजना नहीं मिल पाया है, जो भी होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो जहाँ भी आवास पूरा नहीं हो पाया है उन सब लोगों का चयन करके राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री आवास योजना में कराए जा रहे हैं, तभी भी देखे 7 महिलाओं, तो इसी तरह से सब जगह हम लोगों ने कहा कि देख लीजिए अब कहीं बन जाएगा तो उसका रास्ता भी बन जाएगा भाई, ताकि जहाँ भी उनको बना दीजिएगा तो ऐसा नहीं हो कि उसके जाने का रास्ता नहीं, हर चीज की सुविधा उनको साथ साथ हो जाए। कितना महत्वपूर्ण होगा ये लेमन ग्रास, लेमन ग्रास का तो इतना महत्व है, अब तो आप लोग चले आए हम तो कहते उसको जरा कितना सुंदर है, स्वाद लेते कितना बढ़िया है लेमन ग्रास, तो और लेमन ग्रास का तो देखिए पटना जिला के एक हिस्से में बड़ा अच्छा शुरू कर दिया था लोग, हम लेमन ग्रास हम तो जहाँ रहते हैं ना भाई एक अन्य मार्ग में जी जी, तो वहाँ 6 में ही थोड़ा सा लगवाए थे, तो ये बहुत अच्छा चीज है, इसका फायदा आप देखिए यहाँ पर नहीं कुछ होता था, तब लेमन ग्रास से लोगों को कितना लाभ हो रहा है। आगे क्या योजना है इस योजना को बढ़ाने के लिए, शराब से तो लोग बहुत लोग मुक्ति पाए, किसानों को इसमें क्या सुविधा दी जा रही है, नहीं इसीलिए कि आप समझ लीजिए कि कोई भी तरह का काम जो कर रहे हैं तो उनको उस चीज को बिकने में सुविधा हो जाए, कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर वो काम सब दिन के लिए चलता रहे, तभी हम वहाँ से आए थे, तीनों को तो बता ही न दिए हैं सर। सुशील मोदी कह रहे हैं बाजार के साथ जोड़ करके सब काम कर ही रहे हैं सर, सुशील मोदी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं है, छोड़ न दीजिए आप लोगों को तो खुद पता है ना। अच्छा कुछ लोग ये भी जाना है सर कि क्या पता है पार्टी के अलावे कुछ लोग पीएम के रूप में देखना, जहाँ भी उनको बना दीजिएगा तो ऐसा नहीं हो कि उसके जाने का रास्ता नहीं, हर चीज की सुविधा उनको साथ साथ हो जाना चाहिए, खाली घर नहीं देखे। तो ये लेमन ग्रास का तो इतना महत्व है, अब तो आप लोग चले आए तो कहते उसको जरा देखते कितना सुंदर है, स्वाद लेते कितना बढ़िया है लेमन ग्रास, तो और लेमन ग्रास का तो देखिए पटना जिला के एक हिस्से में बड़ा अच्छा शुरू कर दिया था सर, और लेमन ग्रास हम तो जहाँ रहते हैं ना भाई एक अन्य मार्ग में, तो वहाँ 6 में ही थोड़ा सा लगवाए थे, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसका फायदा आप देखिए यहाँ पर नहीं कुछ होता था, तब लेमन ग्रास से लोगों को कितना लाभ हो रहा है, इस तरह से और ज़्यादा बढ़ाना है। शराब
से तो लोग बहुत लोग मुक्ति पाए। किसानों को इसमें क्या सुविधा दी जा रही है? नहीं, इसीलिए कि आप समझ लीजिए कि कोई भी तरह का काम जो कर रहे हैं तो उनको उस चीज़ को बिकने में सुविधा हो जाए, कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर वो काम सब दिन के लिए चलता रहे। तभी हम वहाँ से आए थे, तीनों को तो बता ही ना दिए हैं बाजार से सभी, और बाजार के साथ जुड़ करके सब काम कर ही रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो सब छोड़ ना दीजिए, आप लोगों को तो खुद पता है ना। कुछ लोग ये भी जाना है, किसी को क्या पता है? छोड़िए, बेचारा नहीं बोलेगा मेरे खिलाफ, क्या फायदा होगा?